गुड मॉर्निंग। इस टाइप का जो सवाल है इससे पीछे हम लोग बात करेंगे कि इससे पीछे वाला वीडियो में हम क्या किए थे कि एक सवाल जो आप लोग को बताए थे उसको एक और मेथड से बताते थे, क्योंकि कंफ्यूजन उसमें भरा हुआ था। स्टूडेंट का चेहरा देखने के बाद लगा कि वो सेटिस्फाइड नहीं हो पाए, तो मैं एक सवाल वही सवाल को बता देता हूँ, वो भी मैंने में ही पूछा हुआ था। तो पीछे सवाल था कि एक बर्तन में, इससे पीछे वाला वीडियो में वो मिल जाएगा आपको, एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें 64% पानी था। बर्तन में से 4 लीटर घोल निकालकर और उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। यदि परिणामी घोल में 30% अम्ल है तो बर्तन के शुरुआत में घोल में पानी की मात्रा कितनी थी? ये था सवाल। तो इसको हमने बेसिक से बताया था, तो अभी मैं उस मेथड से बता देता हूँ जो कि आप पहले से हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो आपके पास क्या क्या था, एक एसिड था और एक पानी था, और एसिड और पानी में 64% पानी था। तो 64% पानी था तो परसेंट में टोटल कितना होता है? 100। 100 में अगर 64% पानी है तो एसिड कितना होगा? 36%। अब हम लोग इसको रेशियो में चेंज कर देते हैं, तो 4 9 36 और 16 4 64, ये रेशियो में चेंज हो गया। अब बोला गया कि इसमें से मिश्रण में से 4 लीटर मिश्रण निकाल के पानी मिला दे रहे हैं, और पानी मिला देने के कारण इसके 30% एसिड हो जाएंगे। एसिड जो है ना वह 30% हो जाएंगे, तो 30% अगर एसिड रहा तो 70% क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा। अगर हम इसको काटते तो क्या आता? 3:7, यानी ये है 9:16 और ये हो जाता 3:7। अब हम लोग उसको क्या किए कि बेसिक के चक्कर में इतना मतलब बनाए उल्टा सीधा। आंसर तो बिल्कुल सही था, कंसेप्ट भी बिल्कुल सही था, लेकिन स्टूडेंट उसको समझ नहीं पाए थे। तो हम आपको बता देते हैं कि मैंने आपको कई बार बोला है कि जो परसेंटेज है वो खुद रेशियो है और जो रेशियो है वो खुद परसेंटेज है, आप खाली चेंज कर दीजिएगा उसमें। तो मैंने कहा कि यहां से 4 लीटर मिश्रण निकाले थे और डाले थे पानी, तो आपको पता ही होगा कि हम पानी डालेंगे तो सिर्फ पानी बदलेगा, एसिड नहीं। तो एसिड पहले 9 था, अब 9 बनना चाहिए, तो 9 बनाने के लिए कितना से गुना करें? 3 से। तो इसमें अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो इधर भी ना 3 से करना पड़ेगा। तो अब देखिएगा, पानी पहले 16 था, पानी 21 हो गया, पानी बढ़ा कितना? 5। किसके वजह से? 4 लीटर की वजह से। तो 5 रेशियो का वैल्यू 4 लीटर, तो 1 रेशियो का वैल्यू 4/5 लीटर। अब मुझे समझाइए, पीछे हम आपको पढ़ाए थे कि जब भी बैलेंस करना था किस रेशियो से बैलेंस करते थे? बोलिए, नीचे वाला से। तो नीचे वाला से बैलेंस कर लीजिएगा, ये 21 है और ये 9 है, 21 और 9 30। एक रेशियो का वैल्यू 4/5, तो 30 रेशियो का वैल्यू 6 4 24, तो कुल पानी 24, मतलब कुल मिश्रण 24 लीटर। अब अगर ये 24 लीटर है तो ये भी कितना है? 24 है, क्योंकि क्वांटिटी तो दोनों का सेम ही है, चेंज थोड़ी ना होता है। लेकिन बैलेंस किससे करते हैं? सेकेंड वाला से। तो ये वाला आपका आया कितना? 24 लीटर। तो ये 24 लीटर है, तो ये भी कितना होगा? 24 लीटर होगा। अब बोला गया कि शुरुआती मिश्रण में पानी कितना परसेंट था, मतलब कितना था? तो पानी था 64%। तो 64% था, तो 24 का जब हम 64% निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास शायद 15.36 लीटर। हम आपको इससे और वहां पर पीछे जो क्लास में हम पढ़ाए थे वो एक्स मान करके बनाए थे, जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे थे, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी मैं फिर यहाँ पे आ जाऊंगा। अब इस सवाल को मैं दोबारा फिर से पढ़ देता हूँ, अब पीछे जो क्लास किए होंगे उनको पता होगा ये सब। एक बार फिर इसका सवाल सुन लीजिएगा। सवाल था आपका, एक बर्तन में एसिड और पानी का घोल था जिसमें 64% पानी था, यही शुरू वाला पूछ दिया था, 64% पानी था। बर्तन में से 4 लीटर घोल निकालकर और उतना ही मात्रा में पानी मिला दिया गया। यदि परिणामी घोल में, मतलब रिजल्ट मिला देने के बाद, 30% एसिड है, अम्ल है, तो बर्तन के शुरुआत में घोल पानी में मात्रा कितनी थी, मतलब शुरुआत में पानी का क्या था? तो हम क्या कर दिए ना कि सबको परसेंटेज को रेशियो में ले गए, जैसे 64% है 36% हो गया, ये वाला 30% है 70% हो गया, काटे तो 3 7 बना, ये 9 16 बना। अब हमको मालूम है कि मिश्रण निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी सेपरेट चीज डालेंगे तो फर्क पड़ेगा। तो मिश्रण निकाल के पानी डाल दिए तो पानी बढ़ जाएगा, एसिड नहीं,
तो एसिड 9 था तो इसको भी 9 बना दिए। अब 9 बनाने के लिए इधर 3 से तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ा। अब क्या करेंगे कि पहले पानी 16 था, अब पानी 21 हो गया, था बन गया, बढ़ा है पानी 5। किसके वजह से? 4 लीटर के वजह से। तो 5 का वैल्यू 4 लीटर, 1 का वैल्यू 5 बटा 4 लीटर, 4 बटा 5 लीटर। तब कुल के लिए बैलेंस हमेशा नीचे वाला रेशियो से किया जाता है, 21 और 9 30। एक रेशियो का वैल्यू 4 बटा 5, तो 30 रेशियो का वैल्यू गुना किए, पता चल गया 24 लीटर। अब 24 लीटर अगर ये है तो 24 लीटर ये भी था। अब 24 ये था तो हमको बनाना था कि शुरुआती मिश्रण में पानी कितना था, तो पानी था 64%। तो 24 का 64% करेंगे आंसर आ जाएगा 15.36 लीटर। आंसर सेम आया था लेकिन उसका जो लॉजिक था वो बड़ी पटांग था, हम खुद सेटिस्फाइड नहीं थे, इसलिए मुझे मजबूरन इसको बताना पड़ा। जल्दी से इसको उतारिए, तब तक मैं इस सवाल को फिर दोबारा पढ़ के समझा देता हूँ, कंसेप्ट या फिर फोटो ले लीजिए। अब आइए हम लोग अपना सवाल। मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात 4:3 है और मिश्रण बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात 5:2 है। ए और बी को 5:6 में मिलाया जाता है और एक नया मिश्रण बनाने के लिए मिलाया जाता है। नए मिश्रण में चॉकलेट का परसेंटेज क्या है? तो अगर मैं आपसे सिर्फ ये बोलूं, अगर मैं आपसे सिर्फ ये बोलूं कि अभी ये लोग ए है 4:3 में और बी है मेरे पास 5:2 में, ए वाला 5 रेशियो में मिलाएंगे और बी वाला 6 रेशियो में, तो कुछ ना कुछ तो वो बनेगा ना। अब आपको मालूम होगा कि जब भी रेशियो नीचे लिखा जाता है कुल को जोड़ के लिखा जाता है, तो ये 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7। और ये 5 और 2 7 हो जाएगा। तो आइए ई वाला क्या करना है आपको ना कि 5 रेशियो में मिलाना है। और ए मैं यहाँ लिख देता हूँ समझाने के लिए। देखिए ए है आपके पास 4:3 जो कि ये 5 रेशियो में मिलेगा, और बी है आपके पास 5:2 जो कि 6 रेशियो में मिलाना है, और मिला करके एक नया मिश्रण तैयार करना है। और उसमें बताना पड़ेगा कि वो उसमें बताना पड़ेगा कि चॉकलेट क्या कितना परसेंट चॉकलेट जा रहा है। तो ये भी सवाल मेंस का ही, पीछे वाला भी मेंस का था, ये भी मेंस का था, इसीलिए हम दोबारा बता दिए। अब देखिएगा 5 रेशियो में मिलाना है, तो इधर वाला चॉकलेट है और इधर वाला आपका दूध है, तो ये चॉकलेट है दूध है, चॉकलेट है दूध है। तो आपको मालूम है कि चॉकलेट के साथ चॉकलेट मिलेगा और दूध के साथ दूध मिलेगा, तो पहले हम चॉकलेट मिलाएंगे। तो 5 रेशियो में मिलाना है, कौन मिलाना है? ये वाला, ये वाला, ये कितना है? 4। कितना में है? टोटल 7 में प्लस। यहाँ पर आइए, ये कितना मिलाना चाहते हैं? 6। कितना किसको मिलाना चाहते हैं? तो 5 वाला। कितना में? तो 5 और 2 7 में। ये ऊपर आया चॉकलेट। अब नीचे हम बात कर लेते हैं कि नीचे क्या आएगा, तो नीचे आएगा तो अब देखिएगा ये तो 5 रेशियो में मिल रहा है, ठीक है। अब कितना है? तो 3। कितना में? तो 4 और 3 7। ये कितना मिलाना चाहते हैं? 6। कितना है ये दूध? तो 2 है। कितना में? तो 5 और 2 7। अब हमको मालूम है कि 7 LCM 7 से 7 70, 5 चौका 20 और 6 5 23, 30 और 20 50 50 बटा 7। अब ये 7 LCM में हो गया, 3 5 15 और 6 2 12, 12 और 15 27 27 बटा 7 7 से 7 70। तो जब हम मिलाए तो हमारे पास चॉकलेट बना 50 रेशियो में और दूध बना मिल्क बना 27 रेशियो में। तो आंसर तो हमारा इतना ही तक रहता अगर क्री लेवल का सवाल होता कि इसको हम किस रेशियो में मिलाना चाहते हैं, तो आंसर होता 50 रेशियो किस में मिलाएंगे? 27 में मिलाएंगे। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि बताओ चॉकलेट कितना परसेंट है, तो देखिए पूछे इसे कौन द चॉकलेट कितना में? 77 में, क्योंकि कुल मिला देखना पड़ेगा, तो ये 50 से 27 है, तो कुल मिला के 77 है। तो 50 है चॉकलेट, कितना में? 77 में। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। अब बोला है एक वर्ड के निकटतम में बताइएगा इसका आंसर, निकटतम में चाहिए, तो निकटतम में चाहिए तो 11 का मल्टीपल है तो 11 लेके चलेंगे, 11 77 और 11 9 99, 7 7 49, 7 9 7 63। अब ऑप्शन देखिए 35 69 31 65। अब आपको मालूम है कि एक आप यहाँ छोड़ दिए, 7 7 49 है ना था, 11 9 99 था, एक यहाँ भी छोड़े, तो ये क्या है? 9 7 63। कौन मानना चाहिए? 65। तो टाइम इसमें बर्बाद मत करिएगा, आसान था सवाल, बस इसको थोड़ा सा एक नए तरीके से हल्का सा ये लेकर के चलना चाहता, तो हमने कर दिया। फिर सुनिए,
आपको मालूम ही है कि रेशियो हमेशा नीचे जोड़ के लिखा जाता है। पांच रेशियो में ये वाला मिलेगा, ये वाला पांच में मिलेगा और ये वाला आपको मिल जाएगा छह रेशियो में। तो आपको मालूम है कि चॉकलेट के साथ चॉकलेट मिलेगा और दूध के साथ दूध मिलेगा। तो हमने पांच को मिलाया कितना, चार बटा सात में, और इसमें छह है, छह को मिलाएंगे कितना, पांच बटा सात में नीचे आएगा। फिर दूध को मिलाएंगे इसके साथ, तो ये वाला तीन रेशियो मिलेगा, चार और तीन सात में, ये वाला छह मिलेगा दो बटा सात में। सॉल्यूशन किए 50:27 आए, तो 50:27 अगर 27 आया तो हमारा अगर आंसर पूछता कि अगर मैं मिला दूं तो इन बने मिश्रण में चॉकलेट और दूध का अनुपात क्या होगा, तो 50:27। लेकिन सवाल पूछा कि चॉकलेट कितना परसेंट होगा, तो कुल में देखा जाता है तो कुल है 77, तो 50 का 50 है कितना में, 77 में, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना। आप चाहें तो पूरा पूरी भाग भी दे सकते हैं, जैसे कि 5000, अब 5000 को अगर आप 77 से भाग देंगे, एक रहा एक, तो ये रहा आपका 6 × 7 = 42, 6 बार जाएगा, तो 6 × 7 = 42 और 6 × 7 = 42 और 4 = 46, बचा आपके पास 8 3, ठीक है, 10 और बचा। अब आप देखिएगा कि 7 × 5 = 35, लगभग 5 बार दिख रहा है, 5 से 5 × 7 = 35 और 3 = 38, ठीक है, क्या लगभग बोल दिया है साहब, देखिएगा यहाँ बोला है निकट, निकट तक तो 5 में बेसी हो रहा है, ऐसे 64 point something आता तो 64 point something आएगा, ऐसे एक्यूरेट कितना आएगा, 64 point, चाहे जो भी है, चलिए 64 point something आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सीधा सीधी 65 हो जाएगा। चलिए इस सवाल को देख के समझ, जो सवाल एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया वही सवाल एमटीएस पूछ रहा है। कई बार बता चुका हूं कि एग्जाम का लेवल क्या हाल हो चुका है, चॉकलेट और दूध के जगह पर तांबा और जस्ता रखा है, बस मैंने सेम रहने दिया है ताकि उठना ना पड़े, और कुछ मिश्रण ए में चॉकलेट और दूध का अनुपात इस बार 5:7 है और मिश्रण बी में चॉकलेट और दूध का अनुपात 4:5 है। ए और बी को 1:2 में लिया जाता है और एक नया मिश्रण बनाने के लिए मिला दिया जाता है, नए मिश्रण में चॉकलेट का कौन सा भाग होगा, कौन सा भाग होगा, यही सवाल को परसेंटेज में होकर के पूछा और इसी को उसने भाग के रूप में कर दिया। हमको मालूम है कि अगर आप ए में देखना चाहते हैं तो ए में ये 5:7 था और बी में ये वाला आपका 4:5 था, ये वाला कितना रेशियो में मिलेगा, 1 रेशियो में, और ये वाला 2 रेशियो में। हमको मालूम है कि चॉकलेट के साथ चॉकलेट मिलेगा और दूध के साथ दूध मिलेगा, एक मिलाना है इस चॉकलेट में, तो 5 है, कितना में है, 7 × 5 = 12, यही वाला फिर एक मिलाना है, इसमें चॉकलेट कितना है, 4, कितना में, 4 × 5 = 9। अब आ जाइए चॉकलेट, चॉकलेट के बाद दूध आएगा, तो दूध इसमें 7 है लेकिन ये मिलेगा 1 वाला, 1 रेशियो मिलाना है, कितना, 7 का, कितना में, 7 × 5 = 12, ये वाला कितना मिलाना है, 2 मिलाना है, कौन सा, 4 मिलाना है, कितना में है, 4 × 5 = 9 में, पहले इतना सॉल्व हम लोग करेंगे। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 12 × 9 नहीं, और भी काम चला सकते हैं, 36 से काम चला दें, क्योंकि 12 × 3 = 36 और 9 × 4 = 36, तो एलसीएम हो गया हमारा 36, 12 × 3 = 12, 3 × 5 = 15, 9 × 4 = 4, 4 × 4 = 16, अच्छा 2 रेशियो, 1 मिनट, ये 1 रेशियो, 1 रेशियो, ये वाला 2 रेशियो, ऊपर में 4 × 1 = 9, 1:2 है, 1 × 5 = 12 में, 1 × 4 = 2, तो वही 1 रेशियो ना, दो और ये वाला दो रेशियो में लेना था, नीचे वाला तो कौन लेना, ठीक है, चलो तो ये वाला जो है हमारा ठीक बोले, ये वाला तो 1 रेशियो में है, 1 में उठा है, ये वाला 2 में उठा है, बाकी तो ठीक है, आप सॉल्व कर लेते हैं, 9 × 4 = 36, 12 × 3 = 36, 3 × 5 = 15, 4 बार
चार बार गया, यहाँ क्या है आठ सौ का 32,000 तो ये रहा हमारे पास पूरा मिटाना पड़ गया। चलिए 36 एलसीएम लिए, तीन बार में 3×15 चार बार में 4×8 32 ठीक है, इसका एलसीएम भी वही रह जाएगा 36 12 से तीन बार में 3×7 21 चार बार में 4×8 32 ये वाला काम तो खत्म हो गया। तो ये वाला आया हमारे पास 47 और ये वाला आ गया हमारे पास 53। अगर रेशियो पूछता, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला एक रेशियो में मिलाना था तो ये एक रेशियो में है तो ये 5 के साथ है, कितना में 12 में, ये दो रेशियो में था सर वहां पे 5 होगा तो ये जो 4×9 लिखे ना वहां पे 5×9 सब बटा ऐसा ठीक है, फिर समझेंगे फिर से बना दें छोड़ दीजिए गड़बड़ हो जाएगा। ये एक रेशियो में ही दो रेशियो में, तो एक उठाइए कितना में 5 कितना 12 प्लस ये कितना है 2 है, किसका लेना है 4 कितना में 9 अभी आइए फिर एक उठाइए। अब इस बार वाला तो ये क्योंकि ऊपर में केवल क्या है चॉकलेट है और इसमें क्या है दूध, तो ये 7 है ठीक, कितना में 7 और 5 12 ये दो रेशियो में ले लेना है, कौन मिलाना है 5 वाला मिलाना, कितना में 4 और 5 9 9 आप सॉल्व कर लो। तो ये रहा मेरे पास 36 12 3 36 3×15 9×36 4 4×8 32 इसका भी एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 36 तीन बार में 3×7 21 चार बार में और ये 10 चार दहा में 40 36 36 70 ये वाला आ गया 47 और ये वाला आ गया 61। अगर सवाल ये पूछता कि अगर एक अनुपात 2 में मिला है तो फिर बता दीजिए नया अनुपात क्या होगा, तो नया अनुपात आंसर हो जाता 47:61। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि बताइए चॉकलेट का कौन सा भाग होगा, तो कोई भी भाग देखा जाता है या परसेंटेज देखा जाता है, कुल में देखा जाता है। हाँ तो चॉकलेट है हमारे पास कितना 47 कुल कितना 100 ये रहा 100 आंसर आ जाएगा 47/108 बनेगा सेम तरीके से, बस क्वेश्चन का लेवल चेंज हो गया क्योंकि एक सीजीएल है और एक एमटीएस हो गया। एक बड़े कंटेनर में 50 लीटर का रस और पानी का मिश्रण है 3:2 इसमें 60 लीटर रस और पानी का मिश्रण मिलाया जाता है, तो 60 मिलाया जाता है ठीक है, जिसका रस और पानी का अनुपात 2:1 देखा जाता है। इसके बाद 11 लीटर घोल को शुद्ध रस से बदल दिया जाता है, अंतिम मिश्रण में पानी और रस पलट दिया, पानी और रस का अनुपात क्या होगा, पहले अगर मैं ये देखूं तो ये देखूंगा कि 50 है और ये रेशियो में गया है कितना 3:2 में, एक और फिर इसी में मिलेगा 60 और ये बनेगा आपका 2:1। तो देखिए ना अगर 60 लीटर पानी में 50 लीटर पानी डाल देंगे तो कई लीटर पानी बन जाएगा 110 बनेगा तो ये ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि दूध के साथ दूध मिलता है और पानी के साथ पानी मिलता है, तो रस के साथ रस मिलाएंगे और पानी के साथ पानी मिलाएंगे, तो इसमें क्या अनुपात होने वाला है कि ये 3 और 2 5 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा, लेकिन बैलेंस इनसे भी होना चाहिए, इनसे भी होना चाहिए, तो पहले यहां से देखते हैं कि यहां पर क्या है हमारे पास 2 और 1 ही है 3 और 2 ही है, बाकी यहां से हमको देखना पड़ेगा। तो फिलहाल इतना मालूम चला कि ये वाला इस टाइप का था, मिलाए तो ये वाला 110 में चला गया, तो अभी देखते हैं कि इधर वाला हमारे पास रस है और इधर वाला पानी, तो ये पूरा कितना है 3 और 2 5 और वहां कितना है 50, तो 5 का वैल्यू 50, 1 का वैल्यू 10, 2 का वैल्यू 20, 2 का वैल्यू 20, 3 का वैल्यू 30। थोड़ा सा आगे बढ़िए, ये टोटल रेशियो कितना है 3 और वहां 60, तो 3 का वैल्यू 60, 1 का वैल्यू 20, 1 का वैल्यू 20, 2 का वैल्यू 40। अब हम लोग क्या देखेंगे
कि हमें क्या करना चाहिए कि ये वाला देखिएगा 20 लीटर है, लीटर मान लेते हैं, ये वाला 20 लीटर और ये वाला 20 लीटर, तो ये 20 लीटर और 20 लीटर जाएगा, ध्यान रखिएगा मिलाने है ना ही है, इस बाल्टी में से उस बाल्टी में डाल दिए, तो रॉस की अगर हम बात करेंगे तो कुल मिला के ये तो पता चल गया कि 6 और 5 11 यानी 110 लीटर का बाल्टी बनने वाला है। लेकिन जब इसमें रस एकड़ 30 लीटर था और इसका रस 40 लीटर था, तो 30 और 40 रस बना होगा 70, और इसका पानी, इसका 20 और इसका 20 पानी कितना बना होगा 40 बना, तो बन तो यही गया। रेशियो अगर हम देखते हैं तो 4:7 या 7:4 यही होता। अब हमको क्या करना है, लास्ट वाला खाली सुनिए, यहां तक हम काम बना लिया अपना। अब और एक दुख की बात यह है, यहाँ देखिएगा MTS पूछता है ऐसा सवाल, MTS में भी पूछा हुआ, इसके बाद 11 लीटर घोल को शुद्ध रस से बदलेंगे, शुद्ध रस से बदलेंगे, ध्यान रखना चाहिए ये वाला रस है और ये वाला आपका पानी, शुद्ध रस से बदलेंगे, शुद्ध रस से, तो ठीक है देख लेते हैं शुद्ध रस से बदलेंगे। तो हमको मालूम है कि अगर हम इनको 0 निकाल दें तो 7:1 कितना है 4। अभी अगर हम बात करेंगे, अगर हम अभी बात करेंगे तो ये वाला है मेरे पास, ये वाला कितना है 70 है, 70 में से 11 लीटर हमको यहां से निकाल देना, तो 11 लीटर अगर हम निकालेंगे तो ये था कितना, तो ये रेशियो में कितना था, तो ये रेशियो में था 7, कितना में 7 और 4 11, ये वाला देखिए ये कितना है, ये है 40, इसमें से कितना निकालना है 11 निकालना है, तो ये कितना रेशियो में है 4 रेशियो में, कितना में है ये भी 7 और 4 11 में, लेकिन है क्या यहां पर, क्या है कि एक जगह पर है रस और दूसरा जगह पर है पानी, और आपसे सवाल में बोला है कि इसके बाद 11 लीटर घोल को शुद्ध रस से बदल दिया जाता है, अंतिम मिश्रण में फिर पानी और रस का अनुपात हमको बताना है, तो अंतिम मिश्रण में अगर हम पानी और रस का अनुपात अगर हम करेंगे तो पानी जो है हमारे पास 40 है और रस हमारे पास 17 है, तो हम यहां से बदलना चाहेंगे, तो जब हम यहां से बदलाव करेंगे तो इस बदलाव में ये क्या होगा, वो तो देख लेंगे, वो तो काटपीट बाद में करेंगे, तो मेन अभी थोड़ा सा लफड़ा ये फंसेगा ना कि ये वाला देखिएगा आपका रस था और ये वाला आपका पानी था, बदलने की बात किया है वो किसको, बदलने की बात कर रहा है वो किसको, सिर्फ और सिर्फ रस को, तो पानी तो आप बदलने के लिए नहीं कहे थे, तो पानी बदलने के लिए नहीं कहे थे तो पानी 11 लीटर वापस डाल दीजिए ताकि क्वांटिटी उतना ही रह जाए, अब बदलिएगा, अब देखिए क्या, तो यहाँ से अगर हम 11 निकाल देते हैं तो 70 में से 7 गया कितना आया 63 आया, यहाँ से अगर 11 निकाल देते हैं तो बचा 4 और 4 और 11 कितना हो जाएगा 15, अब यहाँ से जब हम घटाएंगे तो कितना है 7, ये ठीक है, ये वाला देखिएगा ये खत्म हो गया, बचा 4 और प्लस 11, अच्छा ठीक, तो यहां से जब हम देखेंगे तो ये 11 और 40 51 में से 4 घटाएंगे, अगर हम सॉल्व भी करना चाहें तो हम यहां से कर सकते हैं, 11 निकालना था 4 7 में से निकाल लिए 11, तो यहां से तो हम यहां 47 से बोल रहे हैं क्योंकि 40 और 11 51 में से 4 गया 47, तो अब वहां पर जब 47 हो रहा है तो हमको ऑप्शन भी देखना होगा कि हमारे पास 47 से का तो मल्टीपल होगा नहीं, ये रस ना है अभी हम पलटे नहीं है तो ऑप्शन ऐड किए सब लोग, हाँ ये रस है, यहां से निकाल दिए रस ऐड कर दिए पानी से निकाले तो कितना बना यहां से 11, ये खत्म हो गया और 74 आ गया आपके पास 74, क्यों, क्योंकि 11 ही खत्म हो गया, चलिए ना काट देते हैं, खत्म हो गया, अब देखिएगा 70 और 11
81 में से 7 गया 74 36 और यहाँ वाला अगर हम देखना चाहेंगे तो यहाँ वाला अगर हम देखेंगे तो ये 11 खत्म 40 में से 4 गया 36 लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि ऊपर हम 10 लिखे थे और नीचे पानी लिखे थे अगर दूर से काटेंगे तो 18 बार में और ये वाला 37 बार में पलटना होगा आंसर होगा 18 अनुपात 37। अब यहाँ ध्यान रखिएगा जो भी होगा उसको चेंज करना था आपको तो देखिए इसके बाद यहाँ वाला में तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ से हम लोग कर ही लिए थे। इसके बाद 11 लीटर घोल को शुद्ध रस से बदलना होगा फिलहाल हमारे पास जो रस है यहाँ पर 70 है 70 में से 11 निकालेंगे कितना तो 7 टोटल कितना में से निकलेगा 11 में से और अब इसको हमको क्या करना होगा चेंज करना होगा बदल देना होगा इसका मतलब जितना निकाले हैं वहां पर फिर से हम 11 लीटर ऐड कर देंगे तो ये तो रस रह गया यहाँ है पानी पानी में बोला था कि पानी में कोई बदलाव मत करिएगा बस खाली 11 लीटर क्योंकि आपको मालूम है कि जब आप क्वांटिटी निकालिएगा तो आप मिश्रण में से निकाल रहे हैं ना तो यहाँ से सेम दूरों से निकलेंगे तो ये थे 40 40 में से 11 निकाले कितना में तो 4 में टोटल कितना है तो 11 में यहाँ से निकाल लिए आंसर आया ये। अब इसको हम दूसरे तरीके से फिर ट्राई करेंगे पहले आप इसको लिखिए एक बार फिर से इसको हम लोग देखना चाहेंगे अब ऐसे बनाएंगे कि 3 और 2 5 है 5 का वैल्यू 50 है तो 1 का वैल्यू 10 है तो 1 का वैल्यू 10 है तो 2 का वैल्यू 20 है और 3 का वैल्यू 30 है 30 और 20 50 को हो गया आगे आते हैं 60 लीटर था 60 लीटर में इनका अनुपात है 2:1 पूरा 3 3 का वैल्यू 60 है तो 1 का वैल्यू 20 है तो 1 का वैल्यू 20 है तो 2 का वैल्यू 40 है ये भी 60 हो गया अब ये वाला 50 था और ये वाला 60 था जब मिलाएंगे तो बन जाएगा 110 अब जब मिलेगा तो 30 और 40 70 ही जाएगा और ये वाला 20 और 20 40 जाएगा रेशियो की बात करें तो 7:4 अब इसमें हमको क्या करना है यहां तक कोई खेल कुछ था नहीं तो उरली बनने लायक था इस जगह पर थोड़ा सा सोचना था ये वाला क्या करना है कि यहां पर एक वर्ड यूज किया लीटर पानी से मिश्रण में मिलाया जाता है जिसका रस और पानी का अनुपात इतना है इसके बाद यानी मिल जाने के बाद 11 लीटर घोल को घोल पूरा घोल को शुद्ध रस से केवल बदल देना मतलब घोल में केवल रस चेंज होना चाहिए तो पहली बात कि ये पूरा क्वांटिटी का रेशियो है 11 का वैल्यू आप 11 ही चेंज करना चाहते तो 11 का वैल्यू 11 1 का वैल्यू 1 ही रखें तो 1 का वैल्यू 1 रह गया तो 4 का वैल्यू 4 है और 7 का वैल्यू 7 है अब आपका क्या है 70 लीटर था तो 70 लीटर में से आप 7 निकालना चाहेंगे ये कितना है तो ये 40 लीटर है 40 लीटर में से आप 4 निकालना चाहेंगे ये है रस और ये है पानी अब क्या है कि यहां से तो रेशियो ना निकला क्योंकि आपको पता है कि जो आप निकालेंगे वो पूरा निकलेगा क्योंकि मिश्रण है मिश्रण में से या तो पूरा निकलेगा या तो पूरा उसी तरह से डाला जाएगा तो यहाँ से तो आप जो निकालना चाहते थे वो निकाल लिए लेकिन आपसे कहा गया कि हम 11 लीटर रिप्लेस करना चाहेंगे तो आपको मालूम है कि रिप्लेस करने का मतलब है कि जो आप अलग से स्पेशल क्वांटिटी डालिएगा वही केवल चेंज होगा आप रस डाल रहे हैं तो रस में केवल चेंज होगा रेशियो तो निकल गया जो रेशियो में निकालना चाहिए था वहां से तो निकल गया देखिए 7 और 4 11 निकला है लेकिन आप क्या चाहते हैं कि 11 यहाँ से निकले और 11 रस चला जाए तो यहाँ से 7 जाएगा यहाँ से 4 जाएगा लेकिन रस आप 11 स्पेशल डालना चाहते हैं तो रस में ही चला जाएगा ये रहा रस अब यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो ये आएगा हमारे पास कितना 81 में से 7 गया कितना आएगा 64 है ना 81 में से 7 गया 74 और 36 में से 40 में से 4 गया 36 अब काटेंगे तो आएगा 37 और ये 18 और हमसे पलट दिया गया बोला गया कि आप पानी और रस करें उम्मीद है कि पहले से थोड़ा सा आसान लगा पूरा तो नहीं लगेगा क्योंकि एकदम लेवल हाई किया हुआ है सवाल का तो पूरा तो नहीं लगेगा लेकिन कुछ हद तक आसान लगेगा क्योंकि उसमें रेशियो हम वहीं पर छोड़ रहे हैं पूरा है 11 आप 11 चेंज करना चाहते हैं 11 का वैल्यू 11 1 का वैल्यू 1 तो 4 का 4 7 का 7 है
यानी यहाँ से सात निकलेगा, यहाँ से चार निकलेगा, तो निकाल दिए। अब निकाल देने के बाद हम 11 रिप्लेस करना चाहते हैं, वो भी रस, तो रस में रस जाएगा। पानी रिप्लेस करना चाहते हैं तो सिर्फ पानी हम ऐड करते, तो पानी में पानी ऐड कर लेते, तो 11 यहाँ पर किए तो आया 37 और 36 काटे तो आंसर आया 18:37। और अब आप मेंस लेवल तक सपोर्ट और आपका चैप्टर होता है खत्म। कल से हम लोग पार्टनरशिप की बात करेंगे और उसमें भी 4-5 क्लास जो बेसिक होता है वही होगा, और उसके बाद सारा मेंस का पेपर वहां भी हम आपको ला करके रख देंगे। मेंस मतलब एमपीएल सब क्या रह गया, और इसका नीचे गिराइएगा तो जीडी और ग्रुप बी, ये हाल हो चुका है, इसलिए मजबूरी होता है अब आपको सब पढ़ना पड़ेगा।